नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खबरों के साथ। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं इस हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। कहा जा रहा है कि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि मथुरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आने के बाद उनको कई घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ा, जिसके वजह से दर्शन नहीं होने दिए, साथ ही भीड़ भी काफी ज्यादा बढ़ गई। श्रद्धालुओं का आरोप है कि पुजारियों और मथुरा प्रशासन ने उनके साथ अभद्रता की। मौके पर पहुंचे मथुरा के एसएसपी अभिषेक यादव ने घटनास्थल का जायजा लिया। मंदिर पे आज मंगला आरती थी, तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अतः भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय दो और तीन चार गेट में से दो और तीन गेट से एंट्री होती है, एक और चार से एग्जिट होता है, और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और एक और चार से हमारा एग्ज़िट रहता है, तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था चार, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर चार पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी, उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कांग्रेस पर अपना निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपराध बढ़ा है, कांग्रेस की सरकार में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, कांग्रेस वोटों के खातिर कानून पर ध्यान नहीं देती है, इसलिए अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। राजस्थान में भी यही हाल है, इसलिए राजस्थान में अत्याचार और महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। जब जब कांग्रेस सरकार आई है, तब तब अपराध बढ़े, दंगे बढ़े, दलितों पर अत्याचार बढ़ा, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा। तो राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और वो अपने वोटों की खातिर कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते, इसीलिए अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। राजस्थान भी उसी का उदाहरण है, वहाँ पर भी अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और जनता पीड़ित है, चाहे वो अबाल वृद्ध नरनारी हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी हो, सब तरफ अत्याचार। अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर पुलिस ने एक ऐसी नई नवेली लुटेरी दुल्हन का खुलासा किया है, जिसने शादी के बाद पहले ही रात में दूल्हे सहित सभी मेहमानों को खाने में नशीला पदार्थ देकर कीमती जेवरात सहित हजारों रुपए नकदी लेकर रातों रात ससुराल से फरार हो गई। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन सहित उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटा हुआ जेवरात और नकदी भी बरामद की गई है। 15 अगस्त को बिजनौर की रहने वाली ज्योति की शादी राजस्थान के रहने वाले मनोज कुमार से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन राजस्थान अपने ससुराल पहुंची। नई नवेली दुल्हन ने सबसे पहले अपने दूल्हे को खाने में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, साथ ही पूरे परिवार के लोगों को नशा देकर रातों रात कीमती जेवरात और 36,000 नकदी लूटकर फरार हो गई। पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर सभी को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। थाना सिद्ध जनपद चुरू राजस्थान के रहने वाले मनोज कुमार ने एक अभियोग पंजीकृत कराया थाना नजीबाबाद पर, जिसमें यह बताया कि एक राजेन नाम के व्यक्ति जो कि नजीबाबाद का रहने वाला है, उससे 2,00,000 रुपए लेकर एक महिला से शादी कराया। शादी के उपरांत वह दुल्हन जब घर गई चुरू राजस्थान, तो उसने खाने में नशीला पदार्थ डाल के सभी को बेहोशी की हालत में छोड़कर घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गढ़ की जब तलाश की गई, तो तीन अभियुक्त आज बस अड्डे पर कहीं और जाने की तैयारी में थे मिले, जिनके पास से लगभग 36,000 रुपया और जो फरार थी वहां से लुटेरी दुल्हन, उसके पास से सभी जेवरात जो वहां से लेके आई थी बरामद हुआ है। आगरा में खड़े स्कॉर्पियो में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि स्कॉर्पियो धू धू कर जलने लगी। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि ड्राइवर चाबी लगाकर स्कॉर्पियो को साफ कर रहा था, तभी उसमें आग लग गई।
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामला सिकंदरा के पुष्पांजलि रेसिडेंसी का है। अगली खबर आगरा से है। आगरा में जन्माष्टमी की धूम मची रही। कमलानगर में जगन्नाथ मंदिर में उमंग और उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। मंदिर में पांच पंचामृत और पंचगव्य से कन्हैया का अभिषेक हुआ, साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जन्माष्टमी पर जिले में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। रात के 12 बजते ही नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भजनों से वातावरण कृष्ण भक्ति से सराबोर हो उठा। घंटा घड़ियाल वातावरण में देर रात तक गूंजता रहा। कृष्ण जन्म होते ही लोगों ने श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करने के बाद उन्हें झूले में विराजमान कराया और आरती की। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।